एवरीवन, दिस इज गीतांजलि मंगल, वेलकम टू प्रॉपर्टी ओके। आज मैं आपको थाने वेस्ट की एक और प्रॉपर्टी पे लेके आई हूँ, विच इज बाय द लखानी ग्रुप। सो लखानी ग्रुप की ये दो प्रॉपर्टीज है, हाउस ऑफ रॉयल्स के अंडर पासकोड एंड एम्पायर। सो एम्पायर और पासकोड के सैम्पल फ्लैट्स, उनकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। वी आर गोइंग टू सी ऑल द अमेनिटीज टुडे, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम गोइंग टू टेक यू इनसाइड एंड उसके बाद हम चलेंगे सेल्स ऑफिस और इनके सैम्पल फ्लैट में। कम विद मी। So this is Empire Towers, the House of Royals Passport by Lakhani Group. This is how grand it looks. आप imagine कर सकते हैं कि आपकी building और आपका घर कितना grand लगने वाला है। Stay tuned with me. इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे sales office. आप देख सकते हैं building sales lounge on this side. So we are going to go and visit the sales office and then go to the sample flat. यहाँ पे क्या क्या facilities हैं, क्या amenities हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है लखानी ग्रुप, वी विल चेक दैट आउट। सो यू स्टे ट्यून्ड विद मी। सो एज यू कैन रीड, वन थ्रोन टू टावर्स ऑफ सुप्रीम एसी, ये है लखानी ग्रुप का न्यू प्रोजेक्ट जिसको आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई एम गोइंग टू टेक यू इनसाइड द सेल्स ऑफिस फर्स्ट। As you can see in their sales office, they have put up a real special festive spot offers only for limited inventories. So I would really suggest you guys to come and drop down to Lakhani's as they have some really good offers going on. Do check them out. This is their sales office. Come, let's have a look. जिसका फेयर स्क्वायर फीट है 1140। मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 BHK के अंदर 2 मास्टर बेडरूम्स एंड 1 कॉमन रूम। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द लिविंग एरिया। सो दिस इज बेसिकली द लिविंग एरिया एंड द डाइनिंग एरिया। आई हैव टू टेल यू वन थिंग दैट बाय फार दिस इज द मोस्ट स्पेशियस फ्लैट दैट आई हैव सीन। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, यू नो, इफ यू कैन सी यहाँ पे 6 सीटर का जो है वो डाइनिंग एरिया पड़ा है, मगर उस डाइनिंग टेबल के बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है। यहाँ पे आपको क्या व्यू दिखेगा इफ यू बाय दिस हाउस, आई हैव टू टेल यू वन थिंग दैट फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज राइट ऑन द रोड, सो यू विल हैव एन अमेजिंग व्यू। यहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी। तो ये मेरे पीछे है लिविंग रूम। लिविंग रूम में आप अपना सोफा ऐसे ही सेट कर सकते हैं जैसे कि सैंपल फ्लैट में सेट किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे आप साइड पीस, साइड टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कोई और सीनरी भी लगा सकते हैं इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो विद द मिरर। एज यू कैन सी इट इज वेरी प्रॉपरली डन। और यहाँ पे आप सामने अपना कैबिनेट बनाइए, टीवी बनाइए, आप यहाँ पे बुक्स भी बना सकते हैं। सो इट कैन बी डन एज पर यू वॉन्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिस इज द व्यू दैट यू आर गोइंग टू सी फ्रॉम हियर। अगर आप थोड़ा सा क्लोज आएंगे एंड आई विल टेक यू अराउंड, यहाँ से जो है आपको पूरी ग्रीनरी जो है वो नजर आने वाली है। यहाँ पे पूरी ट्रीज ही ट्रीज है जो आपको नजर आएंगी। ये बालकनी जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे विद दिस हाउस। और आप नीचे अगर देखेंगे प्रॉपर करके, ये स्टैंड अलोन बालकनी से थोड़ी सी जो है वो बड़ी है बालकनी। सो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट। प्लस एक चीज ये भी बहुत अच्छी रहती है कि विद विंडोज, सच काइंड ऑफ फ्रेंच विंडोज एंड बालकनीज, आपको वेंटिलेशन एंड सनलाइट बहुत प्रॉपर रहता है। आई थिंक मुंबई के अंदर व्हेनेवर यू लुक फॉर अ हाउस यू हैव टू हैव लाइक प्रॉपर सनलाइट एंड प्रॉपर वेंटिलेशन, सो दैट इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ से जब हमने इस फ्लैट में एंटर किया था तो यहाँ से एंटर करके लेफ्ट साइड में हमारी किचन और डाइनिंग एरिया है, और राइट साइड पे जो है यहाँ पे आप एज आप चाहें
वैसे सेट कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पे एंटर करके अपने शू रैक्स, अपने शू कैबिनेट्स भी रख सकते हैं और थोड़ा सा आप इसको पीछे करके रख सकते हैं ताकि ये आपके घर के अंदर की लिविंग की स्पेस ना ले। और तो और इन्होंने यहाँ बाहर भी आपको बहुत ज्यादा स्पेस दिया है, आप वहां भी अपने शू कैबिनेट्स बना सकते हैं। सो लेट्स सी द किचन एंड द डाइनिंग एरिया कि वहां हमें लखानी ग्रुप ने क्या प्रोवाइड किया है। सो दिस इज द किचन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एक चीज है जो कि अगर आप थोड़ा सा क्लोज आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो ये है जो किचन के अंदर आपको प्रॉपर इनसाइड माइक्रोवेव्स, ओवन्स, फिटिंग्स के साथ सैंपल फ्लैट में दिखाए गए हैं एंड दिस इज वेरी रेयर दैट वी फाइंड। सो इससे पता चलता है कि लखानी ग्रुप कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। सो अगर आप कस्टमाइज करवाएंगे इसको तो आप भी सेम अपना माइक्रोवेव, अपने ओवन्स, अपने डिश वॉशर्स यहाँ पे अटैच करके अंदर भी फिक्स करवा सकते हैं। देन आएगा आपका फ्रिज, आप देख सकते हो यहाँ पे एम्पल ऑफ स्पेस है फॉर द फ्रिज। ये है 3 BHK जहाँ 2 मास्टर बेडरूम्स है और 1 कॉमन रूम है, उसकी ये किचन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो किचन है इसको आप बहुत ही अच्छे से जैसे इन्होंने कस्टमाइज किया है वैसे कर सकते हैं। दिस इज योर ओपन किचन, आपकी ओपन स्लैब है जो यहाँ पे दी गई है। आप अगर आप कोई पार्टीज होस्ट करना चाहते हैं उसके लिए दिस इज वेरी अमेजिंग। आप अक्सर देखते होंगे कि मूवीज में, सीरियल्स में हमें इतना ब्यूटीफुल किचन दिखाया जाता है और किचन बोलते हैं हमारे घर की सबसे प्रोमिनेंट जगह है जो वो मानी जाती है। सो दिस इज यू नो अ काइंड ऑफ अ किचन दैट आई वुड ऑल्सो पर्सनली लाइक। सो यहाँ पे आपको चटनीज जो है वो प्रॉपर दिए गए हैं और स्टोव है जो वो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाया गया है। स्टोरेज के लिए एम्पल ऑफ स्पेस अगेन आपको दिखाया है, ऊपर है, नीचे भी आपको कटलरी के लिए, आपकी स्टोरेज के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लखानी ग्रुप चेकआउट कर रहे हैं तो इनकी कस्टमाइजेशन की ये किचन जरूर चेकआउट कीजिए बिकॉज इट्स रियली वेल डन। सो ये ना आपका सिंक यहाँ पे बनाया गया है विच इज ऑल्सो गुड थिंग, सिंक और स्टोव काफी दूर दूर है सो विच ऑल्सो कीप्स द किचन वेरी क्लीन, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। देन यहाँ पे वी हैव अगेन वी हैव स्टोरेज स्पेस हियर, पूरे नीचे आप बिन्स यहाँ पे रख सकते हैं सिंक के नीचे, ये पूरे आपको स्टोरेज के स्पेस दिए गए हैं। अगेन यहाँ पे इस तरफ भी आपको एक कैबिनेट दिया गया है जो कि दिस लुक्स लाइक दिस, सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुली डन कैबिनेट जो कि आपको प्रोवाइड किया गया है। दिस इज अ फ्रिज दैट स्पेस दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड, सो आई थिंक दिस एरिया लुक्स रियली रियली फैंसी। और अगर आप इसको एग्जैक्टली इस कबर्ड को ऐसे ही बनाएंगे तो इट इज गोइंग टू रियली स्टैंड आउट इन द मार्केट, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इफ यू विल कम अ लिटिल हियर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे भी इन्होंने जो है ऐसी आपको फिटिंग्स के साथ एक का दिखाया गया है। दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट दैट आई हैव सीन इन द इंटीरियर्स, तो ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, आपकी चीजें इससे सेट रहती हैं। इससे पता चलता है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, आपको वहां की स्टोरेज के साथ साथ ये दो में भी स्टोरेज जो है वो दी जा रही है। तो ये किचन थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया जहाँ पे 6 सीटर डाइनिंग एरिया लगाया गया है। आई थिंक इससे बड़ा भी अगर आप चाहेंगे आराम से यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा बट मोस्टली पीपल गो फॉर 6 सीटर सोफाज एंड आई थिंक इट इज ब्यूटिफुली डन हियर। सो यहाँ से अभी हम बढ़ेंगे कॉमन रूम और कॉमन वॉशरूम की तरफ। सो कॉमन रूम यूजुअली 3 BHK में वी कीप इट फॉर आर गेस्ट और वी कीप इट की कभी घर में गेस्ट आए या अभी हमारे पेरेंट्स विजिट करें, जैसे भी आप उसको रखना चाहते हैं। कॉमन रूम एंड कॉमन वॉशरूम मैं आपको दिखाती हूँ। सो इन्होंने कॉमन वॉशरूम को एज देयर लिटिल लिविंग मीटिंग स्पेस जो है वैसे बनाया है। कई लोग आजकल आफ्टर कोविड ऑफिसेज इन द हाउस का बहुत कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो आप इसको वो भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको अपना स्टडी की तरह यूज कर सकते हैं, मीटिंग रूम बना सकते हैं। सो इन्होंने जो अपने कॉमन रूम है उसको मीटिंग का शेप जो है वो दिया है और इसका स्क्वायर फीट जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ 1140 के अंदर ही आपके कॉमन रूम में बहुत स्पेस है। अगेन मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे आप अपना कैबिनेट, अपना टीवी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सोफा रखिए, मीटिंग रूम रखिए, आप इसको अपनी स्टडी भी बना सकते हैं। बाय चांस यू ऑलरेडी लिव विद योर पेरेंट्स एंड यू थिंक दैट यू नीड अनदर रूम फॉर योर स्टडी, या बच्चों के लिए आप इसको स्टडी रूम बना सकते हैं, टॉयज रूम आप इसको बना सकते हैं, जो भी आप कस्टमाइज करना चाहें यू कैन मेक दिस। सो यहाँ आप उन्होंने सोफा सेट करके दिखाया, देन अगेन देयर आर विंडोज, यहाँ पे आपको सेम जो है वो व्यू दिखेगा, प्रॉपर ग्रीनरी और प्रॉपर फ्रेंच विंडोज जो दी गई है अलॉन्ग विद अ बैल्कनी। सो दैट इज एन अमेजिंग थिंग कि आपको बैल्कनी के साथ जो है यहाँ पर स्पेस दिया गया है
जो कि वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको वार्डरोब स्पेस भी दिया गया। अब आप इस वार्डरोब को अगर एक रूम की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे बुक्स रख सकते हैं, कुछ भी जो आप अकोमोडेट करना चाहें वो आप यहाँ रख सकते हैं। ये एक छोटा सा स्टडी टेबल जैसा बनाया है, दो यू कैन मेक इट अ बिग स्टडी एज वेल। आप इसको प्रॉपर अपना स्टडी रूम बनाइए, तो पूजा रूम बनाइए, वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट यू कैन मेक इट। इसकी मैं आपको स्पेस यहाँ से दिखा चुकी हूँ, इट इज वेरी बिग फॉर अ कॉमन रूम। इसके बिल्कुल एडजेसेंट और ऑपोजिट में है कॉमन वॉशरूम। सो कॉमन वॉशरूम यूजुअली ज्यादा बड़े नहीं होते, मगर ये कॉमन वॉशरूम में बहुत स्पेस है। यहाँ पे आपका सिंक बेसिन है जो कि बहुत हाई क्वालिटी के आपको अप्लायंसेस दिए जा रहे हैं, विच आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द हाउस। सो दिस इज योर कमोड एंड दिस इज अ शार एरिया। अगेन शार एरिया पूरी होटल की वाइब जो है वो दे रहा है। यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपके पास अगेन प्रॉपर पूरी हेड टू टो की फ्रेंच विंडो को वेंटिलेशन भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो आई थिंक कॉमन वॉशरूम के लिए कोई गेस्ट आता है, लिविंग रूम के बिल्कुल साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कोई सर्वेंट है आपके पास, आप सर्वेंट्स के लिए रखना चाहते हैं, सो एक एक्सक्लूसिव नहीं रहता है, एक कॉमन रहता है। तो उसके हिसाब से आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी वेल डन वॉशरूम। तो यहाँ पे हम कॉरिडोर में और बढ़ेंगे तो हमारे इस तरफ था कॉमन वॉशरूम, इस तरफ था कॉमन बेडरूम। नाउ वी आर एंटरिंग वन ऑफ द मास्टर बेडरूम। लेट्स सी हाउ द मास्टर बेडरूम इज बीन डन इन द सैंपल फ्लैट। सो एंटर करके आपके राइट साइड पे वॉशरूम है जो कि बहुत ही ज्यादा वेंटिलेटेड लग रहा है और बहुत ही ज्यादा वेल लिट लग रहा है ये वॉशरूम। सो अभी मैं आपको वॉशरूम अगर दिखाऊं तो यहाँ पे जो है बेसिन आपको एंटर करके मिल रहा है, देन देयर इज द कमोड एंड देन देयर इज द शावर एरिया। शावर एरिया में अगेन पूरा हेड टू टो जो है आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ विंडोज प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हो दिन का टाइम है और यहाँ पे कितनी ज्यादा ब्राइट लाइट है, तो इससे हमें पता चलता है दैट द रूम एंड द हाउस इज गोइंग टू बी वेरी वेल वेंटिलेटेड एंड द सनलाइट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। अब जैसे आप होटल्स में जाते हैं और आपको रूम के इधर ही एक विंडो दी जाती है वॉशरूम के लिए, देन दिस इज योर मास्टर बेडरूम का वार्डरोब स्पेस जो है वो दिया जा रहा है आपको। ये मास्टर बेडरूम है बट दिस इज अ लिटिल स्मॉलर देन द एक्चुअल मास्टर बेडरूम दैट दे हैव, सो यू कैन कॉल इट द सेकंड मास्टर बेडरूम। तो ये आपको प्रॉपर यहाँ पे वार्डरोब स्पेस दी जा रही है। देन यहाँ पे आप कर्टन्स के पीछे देखेंगे तो अगेन आपकी पूरी बालकनी है जो वो यहाँ पे दी गई है आपको। कर्टन्स के पीछे आप देखेंगे आपको प्रॉपर बालकनी दी जा रही है जहां से आपको रोड का व्यू भी दिखेगा और बहुत ज्यादा ट्रीज भी जो है वो आपको नजर आएंगी यहाँ पे। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेस जब अगर आपको बहुत कनेक्टिविटी वाली कोई जगह चाहिए तो उसके लिए दिस इज अ वेरी वेल डन प्लेस। नाउ दिस इज अ साइड टेबल दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, देन बेड आपका उन्होंने रख के दिखाया, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील अगर आपको वार्डरोब की स्पेस की बजाय यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन अपनी तरह से करना है, आपको बेड किसी और तरह से सेटअप करना है, अगर आपको टेलीविजन या कैबिनेट बनाने हैं, तो वो सब पॉसिबल है। इट इज ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन, बट एज अ मास्टर बेडरूम टू इट हैज अ लॉट ऑफ स्पेस, इट हैज एन अटैच वॉशरूम विच इज अ वेरी गुड थिंग। रात को बच्चों को अगर कभी एकदम से इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए ये सब चीजें आर वेरी हेल्पफुल। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आप स्पेस तो इसका देख ही सकते हैं मास्टर बेडरूम का, इट इज वेरी स्पेशियस। अब मास्टर बेडरूम टू से निकलते हुए वी आर गोइंग टू एंटर द एक्चुअल मास्टर बेडरूम, जहां पे एंटर करते ही दिस इज द वॉशरूम विच इज ह्यूज। इट हैज अ बाथिंग टब, आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है टब के साथ सैंपल फ्लैट में दिखाया जा रहा है कि कितनी स्पेस है। अगर आप ये चेक करेंगे यहाँ पे पूरा बेसिन दिया गया है, देन यू हैव अ कबोर्ड एंड देन यू हैव द टब। अब आप ये टब की बजाय अपना वॉशिंग एरिया भी इसको बना सकते हैं। इफ यू हैव अ लुक एट इट, ये पूरा शार भी आपको ऊपर दिया गया है, सो इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप यहाँ पे टब दें अपने हाँ घर में या ना दें, सिर्फ आप शार एरिया रखना चाहते हैं, ये एक कस्टमाइजेशन है जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। बट विद द टब आई थिंक यू शुड हैव अ लुक, इट लुक्स ब्यूटिफुल। एंड ये आपको दिखाया गया कि यहाँ पे टब जितनी स्पेस है। सो ये अटैच वॉशरूम से निकलते ही मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ये वार्डरोब स्पेस आपको दिया गया है। देन दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ 3 BHK लखानी, और यहाँ पे जो है आप उस तरफ भी अपना वार्डरोब स्पेस बना सकते हैं या आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये इन्होंने प्रॉपर जो है आपको वार्डरोब अंदर बना के डिजाइन करके आपको दिखाया गया है कि आप कैसे यहाँ के वार्डरोब अपना सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप अपनी चीजें अंदर रख सकते हैं। देन देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। आई थिंक मास्टर बेडरूम जो हमने 2 देखा था, 1 में उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा स्पेस है, बिकॉज दिस इज वेरी ह्यूमंगस एंड स्पेशियस। यहाँ पे आप
चाहें तो सामने अपना टीवी सेट कर सकते हैं, प्रॉपर कैबिनेट, बुक्स, रीडिंग सेक्शन आप बना सकते हैं यहाँ पे. सो देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस. इवन देर इज अ स्पेस फॉर अ लिटिल स्मॉल स्टडी. अगर आप इस रूम के अंदर स्टडी बनाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है. सो ये मास्टर बेडरूम के अंदर जो आपको वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए फिर से एक विंडो जो है वो दिया गया है. जैसे कि आपको पता है ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट के लिए आपको ये प्रॉपर विंडो दी गई है. और नीचे आप देख सकते हैं देयर इज आल्सो स्टैंड अलोन स्पेस प्रोवाइडेड हियर. सो आई थिंक इवन इन दिस मास्टर बेडरूम देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सनलाइट इन वेंटिलेशन. आप स्पेस तो अपने आप देख ही सकते हैं बेड रखने के बाद. वार्डरोब मैंने आपको अभी दिखाया, बहुत ज्यादा स्पेस है. सो अभी हम बाहर निकल के एक बार फिर से पूरे घर को देखते हैं. सो दिस वॉज द मास्टर बेडरूम. यहाँ पे हमारा अटैच वॉशरूम था मास्टर बेडरूम के साथ. ये मास्टर बेडरूम 2 है जहाँ पे हमारा एक और अटैच वॉशरूम है. देन वी हैव अ कॉमन रूम हियर एंड देन वी हैव अ कॉमन वॉशरूम हियर एंड दिस इज आवर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. आप जरूर चेकआउट करिए थाने वेस्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी जो कि है लखानीज की, हाउस ऑफ रॉयल्स, पासकोड. कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, या आप सैंपल फ्लैट देखना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ यहाँ विजिट करना चाहते हैं, जरूर चेकआउट कीजिए दिस वीडियो. एंड जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पे जरूर कॉल कीजिए. प्रॉपर्टी ओके की तरफ से आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है. थैंक यू.